कर फिरदौस बर ज़मीन अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। मतलब धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। Good morning, friends, and welcome back to our channel, Gypsy Bharat. Good morning. तो क्या प्लान है पारो? कहाँ चल रहे हैं आज? गुलमर्ग। अबे मैंने पारो से पूछा था। ठीक है। आप पारो? नहीं। गुलमर्ग जा रहे हैं। तो गुलमर्ग चल रहे हैं, तो गुलमर्ग जाके कुछ करना तो पड़ेगा भाई। क्या प्लान है रूडी, क्या करेंगे? स्कीइंग। स्कीइंग? ओके। और बर्फ और स्नो खाएंगे। चलिए तो फ्रेंड्स, आपको लेके चल रहे हैं गुलमर्ग और आपको गुलमर्ग की सैर कराएंगे और दिखाते हैं आपको कितना खूबसूरत है हमारा कश्मीर। गुलमर्ग भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का एक हिल स्टेशन है। इसका मूल नाम गौरीमर्ग हुआ करता था, जिसे 16वीं शताब्दी में यूसुफ शाह चक ने बदलकर गुलमर्ग कर दिया। इसकी सुंदरता के कारण इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। यह देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। फूलों के प्रदेश के नाम से मशहूर यह स्थान बारामूला जिले में स्थित है। यहाँ के हरे भरे ढलान सैलानियों को अपनी ओर खींचते हैं। समुद्र तल से 2730 मीटर की ऊंचाई पर बसे गुलमर्ग में सर्दी के मौसम के दौरान यहाँ भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। ये है तंग मार्ग। तंग मार्ग को गुलमर्ग का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, जिसकी दूरी गुलमर्ग से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक बहुत ही खूबसूरत ड्रंग झरना भी है, जो स्वच्छ और ताज़ा वातावरण के कारण शाम के समय सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला स्थान बन जाता है।
गुलमर्ग में एक विश्व प्रसिद्ध गोल्फ कोर्स भी है जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने 1904 में की थी और वो अपनी छुट्टियां बिताने यहाँ आया करते थे और गोल्फ खेला करते थे। इसके अलावा गुलमर्ग में बर्फबारी के दौरान पर्यटकों के लिए स्लेजेस और स्कीइंग जो है यहाँ पे करवाई जाती है। जनरली इसके रेट्स जो है 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये तक जो है इंस्ट्रक्टर के साथ तकरीबन आधे घंटे के लिए होते हैं और आप यहाँ पे इसका जो है आनंद उठा सकते हैं। हाँ भाई पाटिल शर्मा, क्या प्लान है, क्या करके रहे हो हैं? ये तो स्कीज बूट पहने हुए हैं तुमने नीचे हैं? तुम तो स्कीइंग करने की तैयारी में हो भाई। आ जाएगा है बारो, आप तो स्कीइंग करने की तैयारी में हो भाई। हाँ भाई रुद्रा, मुझे मजा नहीं आया। आपको मजा नहीं आया, इधर देखो तो सही। हाँ, आपका एक्सपीरियंस कैसा था भाई? अच्छा था। हैं? हाँ। मजा आया? मजा आया था। आया था? क्या कर क्या रहे थे आप? मुझे पता नहीं था। आप स्कीइंग कर रहे थे? हाँ, पर मैं डर गया। अच्छा इधर तो देख लो एक बार, इधर 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 मेरी कैमरे की तरफ, वैसे वाला तो कर दो। ये सब 4x2 गाड़ियां हैं जो आगे चढ़ना मुश्किल हो रही है। हमें भी अपनी गाड़ी में चेन लगानी पड़ी है तब चल रहे, बिकॉज प्रॉपर ब्लैक आइस जमी हुई है। ये ऐसे बाहर दिखाती ना, टायर घूम रहा होगा, चेन घरों की छतों पे कैसे बर्फ जम गई है।
यहाँ पे अनेक दर्शनीय स्थल हैं गुलमर्ग के आसपास, जिनको देखने के लिए आप यहाँ पे एक ATV हायर कर सकते हैं। प्रमुख स्थानों में महारानी टेंपल है, खिलन मार्ग है, महाराजा पैलेस है, अलपत्थर झील है। तो 1500 से 2000 रुपए में आपको ये जो ATVs हैं ये आपको इन सब जगह पे जो है घुमा सकती हैं। तो ये है गुलमर्ग का एक छोटा सा मार्केट जो आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है बर्फ में। और ये यहाँ का मेन टैक्सी स्टैंड भी है यहीं का। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड करके एंजॉय करके। रूडी सो टायर्ड कि वो पीछे सो चुका है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नई जगह पर। होप आपने हमारे साथ एंजॉय किया होगा गुलमर्ग का सीनिक व्यू। थैंक यू एंड गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।